हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किशन लवाट। देखिए, आज ये हमें जीरो से एक नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बना रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजीली आप इसको बना लेंगे। ब्यूटीफुल सी और सिंपल सी ड्रेस है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सी जीरो और एक नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने चंदेरी का फैब्रिक लिया है यहाँ पर, और इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 3 इंच की ली है, और जो इसकी लंबाई मैंने ली है, लंबाई इसकी 15 इंच की मैंने रखी है। अभी देखिए, मैंने सेम येलो कलर के फैब्रिक की ये अस्तर के लिए फैब्रिक कट किया है। सेम इसकी साइज़ का हम कट करेंगे, और इसकी सीधी साइड पे रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से रख करके हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे, फैब्रिक को सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से, एक बार सेट कर देंगे ये फैब्रिक। ये देखिए, इस तरीके से इसको हाथों की हेल्प से प्रेस करके अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, और एक बार इसके ऊपर की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है, इसी तरीके से सेट हो गया है। अब हम नीचे की साइड, ये देखिए, मैंने ये रेड कलर की यहाँ पर लेस का यूज़ किया है। हम नीचे की साइड इस पर लेस लगा देंगे। लगाने के बाद सिंपल हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं इस पर। तो यहाँ मैंने नीचे की साइड इस पर लेस भी लगा दी है, और ऊपर की साइड भी मैंने इस पर सिलाई लगा रखी है। तो इस पर क्या करेंगे, सिंपल अब हम इस पर प्लेट्स डाल देंगे। देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बराबर बराबर ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से बराबर रखते हुए प्लेट्स को सिलाई लगा देंगे इनमें। तो चलिए इस पर भी प्लेट्स डाल देते हैं फटाफट से। तो देखिए, प्लेट्स मैंने डाल दी हैं यहाँ पर, और ये देखिए, इस तरीके से हमारा नीचे का जो घेर है वो एकदम राउंड शेप में बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस पर हम चोली लगाएंगे। चोली लगाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक का पीस कट कर लिया है, और ये मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और इसकी जो लेंथ ली है मैंने ये 6.5 इंच की ली है। इसको इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, उल्टा फोल्ड करेंगे इसको, क्योंकि हम इसको फोल्ड करके फिर सीधा कर देंगे। तो इस पर सिलाई लगा देते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको मैं फोल्ड करके सीधा कर लूँगी। तो देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको सीधा करने के बाद एक बार सेट कर देंगे अच्छे से। इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से सेट करके इसको देखिए फोल्ड मैंने कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसके 2 पीस कर लेंगे हम, बीच में से कटिंग कर देंगे बराबर। अभी देखिए, कटिंग करने के बाद ये जो हमारी सिलाई का साइड है इसको हम सेंटर में कर देंगे, और ये मैंने रेड कलर की पतली सी लेस का यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। चलिए लगा देते हैं सिलाई। तो ये देखिए, दोनों स्ट्रिप पर मैंने लेस लगा दी है। अब इस दोनों स्ट्रिप को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए थोड़ी सी दूर पर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो हल्की हल्की दूरी पर इस पर सिलाई लगा देते हैं।
तो देखिए सिलाई लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हम इसको ड्रेस पर रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ड्रेस के स्टार्टिंग से यहाँ पर इस तरीके से लगाते हुए पूरे राउंड पर हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं सिलाई इस पर भी। तो देखिए पूरे राउंड पर मैंने सिलाई लगा दी है। ड्रेस हमारी बनकर के कंप्लीट है। बहुत ही जल्दी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर के तैयार हो जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।